फ्लोटिंग हाउस फ्लड्स। चित्रकूट नाम के गांव में कांशीराम नाम का एक जोहरी रहता था। गांव वाले सब कांशीराम को कंजूस कांशीराम बुलाते थे। कांशीराम अपने दुकान में जेवरों पर एक रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देता था। कांशीराम ने खूब पैसे कमाए, फिर भी वो एक छोटे से घर को किराए पर लेकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ उसमें रहता था। एक दिन कांशीराम की पत्नी आरती, ये क्या है जी? अरे आप जानते हो इस सारे गांव में आपकी कंजूसी के बारे में कैसे चर्चा करते हैं? अरे उसे सुनकर शर्म के मारे मेरा सर झुक जाता है। अरे आप इतने पैसे कमाते हैं लेकिन इसका क्या फायदा? अरे भिखारी को एक रुपया तो नहीं देते आप, किसी की कोई मदद नहीं करते। अरे दूसरों की बात छोड़िए, अपने पास लाखों रुपए है ना, फिर खुद का घर क्यों नहीं बना लेते आप? अरे इस गांव में हमारे सारे रिश्तेदारों के पास अच्छे अच्छे घर हैं, वो सब हमें तुच्छ समझते हैं। अरे जो पैसे हमारे काम ना आए, ऐसे पैसों का क्या फायदा? हाँ डैडी, मेरे सारे दोस्त कार में आते हैं स्कूल और अब हमें उस खटारा साइकिल में ले जाते हो। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पैसे हैं तो मेरा कोई विश्वास नहीं करता, हमें गरीब समझकर हम पर रहम खाते हैं ये लोग। कांशीराम ने ये सब कुछ सुना। देखो पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी शान दिखाते रहें। हर साल इस गांव में 2-3 बार बाढ़ आती है, हर बार घर सारे डूब जाते हैं। क्या तुम जानते हो कि घर की मरम्मत के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? इसीलिए मैं घर नहीं बनवाता। और रही बात कार की, अरे जब तक है जान मैं तुम लोगों को साइकिल में ही स्कूल पहुंचाऊंगा। वैसे भी ये जरूरी है कि हम स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये नहीं कि हम स्कूल कैसे पहुंचे। इसीलिए मैंने डोनेशन भर के तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया है। जो पैसे कार के पेट्रोल के लिए खर्च होते हैं उन पैसों से ही मैंने आपके स्कूल का फीस भरा है। अरे सारे गांव वाले समझते हैं कि मैं कोई दान धर्म नहीं करता, उन्हें वैसा ही सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ बस। हाँ, आपको कोई बदल नहीं सकता, हर बात का तोड़ है आपके पास। अगर 6 महीनों में आपने घर नहीं बनवाया तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ यही मेरा आखिरी फैसला है। अगले दिन कांशीराम आरती से, मैंने कल रात बहुत सोचा, अब हम घर बनवाएंगे, उसके लिए 6 महीनों की जरूरत नहीं है, अपना घर 6 दिनों में तैयार हो जाएगा। अपने सारे रिश्तेदारों को गृह प्रवेश के लिए बुलाओ। आरती और बच्चे बहुत खुश हुए। 6 दिनों बाद कांशीराम अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर अपने नए घर के गृह प्रवेश के लिए गया। वहाँ जाकर देखा तो एक बांस का बना हुआ घर था। उसे देखकर आरती और बच्चे हैरान हो गए। सब रिश्तेदार कह के हंसने लगे। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। धत, अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे घर बनाता हूँ कहकर ये सस्ते में बांस का घर बनाए, हम इसमें नहीं रहने वाले। देखो आरती, हम जहाँ रहते हैं उस प्रदेश का वातावरण और परिस्थिति को देखकर हमें अपना घर बनाना चाहिए। बर्फीले इलाके में बनाने वाले घर और गर्मी के इलाके में बनाने वाले घरों में फर्क होता है। मैं अपने गांव के परिस्थिति के अनुकूल ये बांस का घर बनाया है, तुम इस बात को बहुत जल्द समझोगे। मैंने मकान मालिक को कह दिया है कि वो किराए का घर खाली कर रहे हैं, तो अब हमें यहीं रहना होगा। वो सब लाचार होकर उस बांस वाले घर में रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद उस गांव में बहुत जोर की बारिश हुई, गांव में बाढ़ आई, सारे घर डूब रहे थे, लोग बाढ़ में बहते जा रहे थे। इतने में कांशीराम का बैम्बू हाउस पानी में तैरता हुआ जा रहा था। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। उस बैम्बू हाउस के नीचे बड़े बड़े ड्रम बंधे हुए थे। आरती ने अपने रिश्तेदारों को घर को छोड़कर सामान को सिर पर लेकर जाते हुए देखा। तब आरती के समझ में आया कि उसके पति ने ऐसा क्यों किया। उस बैम्बू हाउस में आरती खाना बना रही थी, सब मजे से बैठ के खाना खा रहे थे। इसी तरह कांशीराम ने आरती को कहकर ज्यादा खाना बनवाया। उसने वो खाना बाढ़ग्रस्त लोगों में बांटा। बाढ़ कम होने पर आरती, मुझे माफ कीजिए, मैंने सोचा कि आप कंजूस हो, लेकिन मैं अब समझ गई कि आप दूर की सोचते हैं। अरे इतने बड़े घर बनाने का क्या फायदा, बाढ़ में सबको घर छोड़कर अनाथों की तरह जाना पड़ा, लेकिन हम बिना कोई तकलीफ के इस घर में रह पाए और तो और दूसरों की मदद भी की। अब हम जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे जी। जरूरत नहीं है, जब तक हम इस गांव में हैं तब तक हम इस घर में रहेंगे। मैं शहर में एक बड़े जेवर की दुकान खोलने वाला हूं, इसीलिए बहुत पहले से ही मैं एक बड़ा घर बनवा रहा हूं। वहां पर 1 महीने में वो घर तैयार हो जाएगा। वहां पर इनका स्कूल बहुत दूर है, इसीलिए मैं कार भी खरीदने वाला हूँ। एक और बात, तुम लोग समझते हो ना कि मैं कोई दान धर्म नहीं करता, मैंने पैसे जमा किए
और उन पैसों से इस गांव के बाहर पहाड़ों पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। जब भी बाढ़ आए तो ये गांव वाले वहाँ पर शरण ले सकते हैं, वहाँ पर उनके लिए सारी सहूलियतें हैं। तब आरती और उसके बच्चों ने कांशीराम को प्रणाम किया। मिनी ट्रैक्टर मछली वाला। घोड़े पे सवार होकर डाकू बंदीपुर नाम के गांव में आकर गांव को लूटकर जाते रहते थे। उन डाकुओं का सरदार का नाम था ठाकुर। जब भी डाकू आते थे, लोग डर के मारे उन्हें गहने और रुपए देते थे। दुकान के बाहर डाकू आते तो वो दुकानदार भी डर के मारे बाहर आते, उन्हें रुपए देकर प्रणाम करते। उस गांव में लकी टॉय स्टोर नाम का एक खिलौने का दुकान था। उस दुकान का मालिक था मंगेश। उसके बेटे का नाम था नागेश। वो जब तब दुकान के बाहर खिलौने के साथ खेलता रहता था। एक बार ठाकुर और उसके आदमी घोड़े पर वहां पहुंचे। ए, और कितनी देर इंतजार करना होगा? जल्दी से पैसे ले आओ। अगर मुझे गुस्सा आया और मैं घोड़े से उतरा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हुजूर, अभी पिछले महीने तो मैंने आपको पैसे दिए थे, अब महीने में एक बार ही तो आपको देना होता है। हुजूर, लगता है कि आप भूल गए हैं, जरा याद कीजिए हुजूर। तब दूसरा डाकू, जी हाँ सरदार, इसने कुछ दिन पहले ही पैसे दिए थे, लगता है आप भूल गए सरदार। ये सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। अपने गलती को छिपाते हुए, अरे तुम मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं भूला। ए मंगेश, महीने में एक बार नहीं 100 बार मांगूंगा, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, निकालो पैसे। हुजूर, आप ऐसे ना कहो, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार जब आप आओगे तो मैं आपको पैसे जरूर दूंगा। ए बंद करो ये नाटक, अगर मैं घोड़े से उतरा तो तुम मरोगे। तुम्हारे दुकान में जितने भी महंगे खिलौने हैं सब एक थैली में भर कर लाओ, हम जब शराब पियेंगे तो उनके साथ खेलेंगे। अरे हुजूर, अगर आप वो खिलौने ले गए तो मैं बेचूंगा क्या? मेरा परिवार इस दुकान पर ही निर्भर है, कृपा करके खिलौने ना ले जाना। तब ठाकुर ने गुस्से से मंगेश के छाती पर लात मारा। बेचारा मंगेश नीचे जा गिरा। मेरे साथ जबान लड़ाते हो? ए गांव वालों सब सुनो, अब से महीने में एक बार नहीं, जब भी आऊंगा मुझे पैसे और जेवर देने होंगे, नहीं तो सबके सर कलम कर दूंगा, खबरदार। ऐसा उसने चेतावनी दी। फिर मंगेश के खिलौने के थैली को लेकर वहां से चले गए। ये देखकर नागेश बहुत उदास हुआ। ये तो अन्याय है, वो अपने भूल को छुपाने के लिए यूँ लुट कर जाता है। अरे सांड की तरह बड़ा हो गया है और कहता है खिलौने के साथ खेलूंगा, हाँ निकम्बक निकम्मा। अरे वो जो खिलौने लेके गया है उनकी कीमत 50,000 से ज्यादा है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, कहकर दुखी हो रहा था। एक दिन नागेश मिनी ट्रैक्टर में कहीं जा रहा था, तभी एक डाकू घोड़े पर एक मेडिकल शॉप के पास गया। ए मेडिकल शॉप वाले, हमारे सरदार की सांसें फूलने लगी हैं, कोई बढ़िया सी दवाई हो तो दो। भैया, सांस फूलने की बीमारी के लिए हैदराबाद के मछली वाली दवाई बहुत मशहूर है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, ये अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती, मैं तुरंत वो दवाई मंगवाता हूँ और आपको भेज देता हूँ भैया। तब डाकू ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। ये बात सुनकर नागेश को एक उपाय सूझा। अगले दिन नागेश ने कुछ मछलियां पकड़ी और उनके मुंह में कुछ नशीली दवाइयां डाल दी। फिर उन मछलियों को एक ट्रैक्टर में लादकर जंगल में चला गया। यूं वो ठाकुर के गुफा के पास पहुंचा। उसे देखकर ठाकुर, क्यों रे छोटे, तुम हो कौन, यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से।
सरदार, सुना है कि आपको दमे की बीमारी है। कल ये चाचा वहाँ मेडिकल शॉप के पास आए थे और कह रहे थे मेरे पिताजी ने कहा था ना कि हैदराबाद की मछली वाली दवाई भेजेंगे, यही है वो मछली वाली दवाई, मैं आप ही के लिए लाया हूँ। आप इसे निंग लेंगे तो आपके सांस फूलने की बीमारी चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी। हाँ सरदार, ये सच कह रहा है, ये हैदराबाद मछली वाली दवाई है सरदार, उसने कहा था कि वो भेजेगा। ए, मैं दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि मैं अपनी परछाई का भी भरोसा नहीं करता, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ? पता नहीं इसने उसमें क्या मिलाया है, क्या गारंटी है कि इसे पुलिस ने नहीं भेजा है? हो सकता है कि ये लड़का और तुम दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हो, कौन जाने। तुम सब सुनो, मेरे साथ तुम सबको भी ये मछली वाली दवाई निकलना होगा, ठीक है? यूं सब डाकुओं ने वो मछली वाली दवाई को निगल लिए, बस सब गश खाकर नीचे गिर गए। तब वहाँ पुलिस और गांव वाले सब आए, पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार किया। शाबाश नागेश, तुम्हारा ये तरकीब कामयाब रहा, हम पुलिस वालों का काम भी तुमने ही किया है, थैंक यू बेटा। अरे इन डाकुओं की मुसीबत से हमारे गांव को तुमने बचाया है नागेश, अब इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिला, अब से हम लोग सब खुशी खुशी जी सकते हैं। ये सुनकर मंगेश बहुत खुश हुआ। तब से नागेश अपने मिनी ट्रैक्टर में घूमता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।